हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिक्शन। दोस्तों, मैं आज घर्षण बल यानी फ्रिक्शन के बारे में बता रही हूँ कि घर्षण क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो आगे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, घर्षण बल जो होता है यानी जिसे इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो उसकी गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल स्वरूप, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति कर रही है या आप ही किसी सतह पर गति कर रहे हैं तो उस गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वह गुण जिसके कारण दो विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोध बल उत्पन्न होता है, जो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के गति का विरोध करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जितना ही खुरदुरा सतह होगा, जितना ही अच्छा घर्षण बल होगा, उतना ही अच्छा हमको चलने में आसानी होता है, हम फ्रीली चल सकते हैं, अच्छे से कार्य कर सकते हैं। और घर्षण बल कम होगा तो हम कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे, वह उस वस्तु की गति धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो घर्षण बल जो है दो प्रकार का होता है, धनात्मक घर्षण बल एंड ऋणात्मक घर्षण बल। धनात्मक तो शाब्दिक अर्थ से पता चल रहा है कि धनात्मक घर्षण बल यानी जो किसी वस्तु की गति में सहायता करे, वो धनात्मक घर्षण बल हुआ। ठीक है, और ऋणात्मक घर्षण बल जो किसी वस्तु की गति में विरोध करे यानी बाधा उत्पन्न करे, उसको ऋणात्मक घर्षण बल कहते हैं। कैसे कहते हैं कि घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन सा ऐसा बल है जिसके कारण घर्षण बल कम या ज्यादा होता है। तो सबसे पहला बात की पहला है सतह का अनियमन यानी खुरदुरा होना। जब सतह खुरदुरा होगा तो घर्षण ज्यादा होगा। ठीक है, और दूसरा है सतह का स्मूथ यानी चिकना होना, तो इसमें क्या होगा, घर्षण कम होगा। कहीं सी बात है, जब खुरदुरा सतह होता है तो आप देखे होंगे कि आप बहुत फ्रीली चल सकते हैं, एंड जब चिकना सतह होता है यानी मान लीजिए कहीं पे केले का छिलका गिरा हुआ है, उस पे आपका पैर पड़ा अचानक से और आप फिसल के गिर गए। क्यों? क्योंकि घर्षण बल कम हुआ, कम घर्षण बल के कारण आप गिर गए। तो इसलिए गति के लिए घर्षण बल का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसी प्रकार फिजियोलॉजी में, गति विज्ञान में, खेल कूद में घर्षण बल का कैसे उपयोग किया जाता है, जैसे कि जो धावक होते हैं उन लोगों के जूते ऐसे बनाए जाते हैं और निचले सतह में इस तरीके से मैकेनिक लगाकर जूते को बनाया जाता है कि उसमें घर्षण बल बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिससे धावकों को दौड़ने में आसानी हो। ठीक है, तो घर्षण बल चाहे जितना खुरदुरा सतह होगा घर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, जितना चिकना सतह होगा घर्षण बल कम होगा। तो बस एग्जाम पॉइंट के लिए बस इतना ही जरूरी है, इसलिए ज्यादा इस पर बात करना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, ये था घर्षण बल के बारे में जो आपको एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में जरूर बताइए, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।